वेलकम टू माई चैनल क्राफ्टहॉलिक 1.0। आपके पास है ऐसे बहुत सारे मिठाई के डिब्बे, तो चलो आज हम इसी का ही कुछ यूज़ करके नया DIY बनाएंगे। आज के इस DIY में हमें एक मिठाई का खाली डिब्बा चाहिए। उसके बाद हमें इसके ऊपर वर्क करने के लिए कुछ टिश्यू पेपर और कलर्स चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं। पहले मैंने पूरा मिठाई का डिब्बा अच्छी तरह से साफ करके लिया। इसके बाद मेरे पास जो टिश्यू पेपर पड़े हुए थे उसके मैंने छोटे छोटे पीस कर दिए। एक प्लास्टिक बाउल में उसको एक साथ मिला दिया पानी और ग्लू के साथ। हमें टिश्यू पेपर में जो पानी डाला है वो 2 मिनट के बाद निकाल के पूरा टिश्यू पेपर ड्राई करके लेना है। अभी पहले ये सब करने से पहले मैंने मिठाई के बॉक्स को ऊपर की तरफ से वाइट पेंट कर दिया था। उसके बाद मैंने उसको ऑफ वाइट कलर बेस कलर दे दिया। अभी डिज़ाइन ड्रॉ करके हमें टिश्यू पेपर की मदद से उसको अच्छी तरह से फील करना है। तो मैंने टिश्यू पेपर का जो सब ड्राई हुआ पीसेस थे उसको मैंने अलग अलग कलर्स में डिवाइड कर दिया और जो कलर मुझे चाहिए थे वो मैंने उसमें मिक्स कर लिए। अभी कुछ नुकीली चीज़ से हमें जो डिज़ाइन हमने निकाला है उसमें टिश्यू पेपर का ये पूरा फीलिंग करना है। तो मैंने अच्छी तरह से जो लीव्स का डिज़ाइन था उसमें ये फील कर दिया। ये टिश्यू पेपर का जो डो है उसको हमें अच्छी तरह से हमने जो डिज़ाइन निकाला है उसमें फील करना है। कुछ नुकीली चीज़ से हमें इसको अच्छी तरह से फील करते जाना है। इसको थोड़ा टाइम लगता है लेकिन बनने के बाद ये बहुत ही अच्छा लगता है। इसको सूखने में भी थोड़ा टाइम ज़्यादा जाता है। आपने आज किया और पूरे दिन उसको सुखाने के लिए रखना पड़ता है। मैंने ये डिज़ाइन करते वक्त थोड़ा शेडिंग किया है, साइड में रेड कलर का थोड़ा डिज़ाइन बना दिया। ये पूरा ड्राई होने के बाद मैंने इसको फिर येलो कलर से फील किया है। बीच बीच में जो वाइट या ऑफ वाइट प्लेसेस दिख रही थी वहाँ पे मैंने येलो कलर फील कर दिया है। अभी इसके ऊपर मैंने थोड़ा गोल्डन कलर यूज़ किया है। बाद में उसके टेक्सचर के ऊपर हम हाथ से गोल्डन कलर अप्लाई कर सकते हैं, उसको थोड़ा एंटिक लुक आता है इसके लिए। अभी इसको मैंने मिरर से थोड़ा डेकोरेट कर लिया ताकि ये ज्वेलरी बॉक्स है तो वो थोड़ा ट्रेडिशनल दिख सके इसलिए। अभी हमारे पास जो बॉक्स का अंदर वाला हिस्सा है उसमें मुझे रेड कलर पेपर रखना था। आप पेपर उसमें डाल सकते हैं या फिर वेलवेट फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं, आपके पास जो अवेलेबल रहेगा वो आप कर सकते हैं। मैंने सेम बॉक्स के नाप का कटिंग करके इसमें पेपर डाल दिया। अभी साइड से कुछ डेकोरेशन कर दिया और बॉक्स हमारा अभी रेडी हो गया है। तो इसमें हम ज्वेलरी या और कुछ डेकोरेटिव चीज़ें भी रख सकते हैं। आपको हमारा ये आज का आइडिया कैसे लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैंने मिठाई के डिब्बे का कुछ अलग यूज़ करने का सोचा था तो मैंने इसलिए ज्वेलरी बॉक्स बना दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब अवर चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशन। स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियोज़।